वंदेमातरम कर्मचारी साथियों, ये बिल के संबंध में काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि FMS 3.0 पे जो DA का ऑप्शन आ रहा है, काफ़ी समय पहले आ चुका था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, अब वो शुरू हो गया है। अब अपना DA का बिल है जो 4% DA 46 से बढ़ करके 50% हुआ था, वो कैसे बनाएंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव बताने का प्रयास करूँगा। साइट थोड़ी सी धीरे हो सकता है, तो थोड़ा सा सबसे पहले आप यहाँ से एम्प्लॉय लॉगिन करें, वीडियो में जाकर के वीडियो रोल सेलेक्ट कर लें, उसके बाद एम्प्लॉय लॉगिन, और यहाँ जाकर के आप यहाँ रोल में अप्रूवर सेलेक्ट कर लें। अब इसके बाद में आपको यहाँ जैसे बिल्स का जो ऑप्शन है, इसमें दो तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे, DA एरियर बिल। अब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन है, ऑटो DA प्रोसेस और ऑटो DA एरियर मैनुअल। तो सबसे पहले आपको DA एरियर मैनुअल में जाना है। यहाँ से जाने के बाद में आपको यहाँ से इस तरीके का जो पेज आएगा जिसमें आपको पे ईयर है 2024-25 सेलेक्ट करना है। मंथ अभी जैसे पे मंथ है तो मई ही आएगा क्योंकि आप मई में बिल बना रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से जो भी ग्रुप्स है उन ग्रुप्स में से जिस ग्रुप के कार्मिक का आपको DA बनाना है, DA एरिया जो भी बनाना है 4%, वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा, साइट थोड़ी सी बिजी है तो हो सकता है थोड़ा सा समय कम ज़्यादा हो जाए, तो एक बार थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। और यहाँ जितने भी कार्मिक इस ग्रुप में है और जिनका DA बाकी है उनका नाम आ जाएगा, आपको पहले लिस्ट शो होगी, उसके बाद में आपको उस लिस्ट में से आपको यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके जिस भी कार्मिक का DA बनाना है उस कार्मिक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ये साइट नहीं चले तो एक बार थोड़ा सा आप इसको यहाँ से ऊपर से रिफ्रेश कर लें और उसके बाद में वापस दोबारा सेलेक्ट करके कोशिश करें, क्योंकि मैंने कहा कि ये साइट का और खासकर ये फंक्शन है आज ही शुरू हुआ है तो काफ़ी साइट है वो धीरे चल रही है, तो ये लोडिंग एक बार हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे आप थोड़ा सा ये लोडिंग में टाइम लेगा, उसके बाद में जो भी एम्प्लॉयज़ है जिनका DA बाकी है वो यहाँ नाम शो हो जाएगा। अगर उस ग्रुप में 5 से ज़्यादा है तो आप यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 50 कर लें, 25 कर लें, लेकिन यहाँ अभी 4 कार्मिक ही ग्रुप में है। अब यहाँ से सभी कार्मिक जिनका भी आपको DA एरिया बनाना है उनको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सभी का DA बाकी है तो यहाँ से इनिशिएट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से एक बार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ जैसे रीजन आ रहा है DA एरिया नॉट प्रोसेस येट, यानी अभी तक DA रीजन का प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करना है और ये कन्फर्मेशन पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आपको येस पे क्लिक करना है। और ये भी थोड़ा सा लोडिंग में समय लेगा, मैं कह रहा हूँ कि साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है, आज ही ये ऑप्शन शुरू हुआ है तो थोड़ा सा इसमें समय लेगा, तो ये एक बार लोडिंग हो जाए उसके बाद में आपको फिर अगला स्टेप मैं बताता हूँ क्या करना है। अब काफ़ी देर प्रोसेसिंग होने के बाद में इस तरह का मैसेज आ रहा है, फेल्ड एरियर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, EXP-005 DA एरियर बिल ऑलरेडी जनरेटेड फॉर एम्प्लॉय, एरियर बिल ऑलरेडी जनरेटेड फॉर एम्प्लॉय, इस तरीके से मैसेज आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि ये बिल है वो जैसे कन्फर्मेशन मैंने किया था तो हो सकता है ये एक बार प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि मैंने कहा कि साइट थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है तो थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद भी अगर नहीं होता है और ये मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है, तो ये एरर हो सकता है या प्रोसेस हो चुका है। अब मान लो प्रोसेस हो चुका है तो आपको किस तरीके से चेक करना है, तो यहाँ से वापस आपको थोड़ा सा बैक जाना है और यहाँ से बिल्स पे जाना है। बिल्स पे जाने के बाद में आपको जैसे सैलरी के मामले में, यहाँ से जैसे बिल्स में जाने के बाद में यहाँ जो सैलरी में सबसे पहले आप जो काम करते थे ऑटो सैलरी प्रोसेस, तो यहाँ DA एरियर में यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटो DA एरियर प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ जा करके आपको सर्च करना है ईयर और उसके बाद मंथ और इसके बाद में ग्रुप जिस ग्रुप का आपने अभी इनिशिएट किया था, और यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ आ जाती है डिटेल इसका मतलब तो बिल एलोकेट हो गया है, और नहीं तो थोड़ी सी साइट प्रॉब्लम है तो हो सकता है थोड़ा सा उसमें समय लगे, तो एक बार थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये साइट काफ़ी स्लो चल रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद अगर मान लो नहीं हो रहा है इसका मतलब फिर साइट में प्रॉब्लम है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ आपको जैसे साइट प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो पहले आपको बिल जो DA एरियर मैनुअल में जाकर के पहले बिल प्रोसेस कर लेना, उसके बाद में ऑटो DA एरियर प्रोसेस इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको पे ईयर 2024-25 पे मंथ और ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसका आपने मैनुअली बनाया है, उसके बाद में यहाँ से आप ये देखेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ बिल नंबर शो हो जाएंगे और उसके बाद में बजट एड वगैरह शो हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ से रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, तो रिपोर्ट्स किस तरीके से डाउनलोड करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ चेक करना है, खास करके जो जैसे यहाँ से आप एक बार इसको देख लें कि जो भी 2 महीने का जो सैलरी या बिल बन रहा है वो सही है या नहीं है, उसका अमाउंट एक बार जरूर चेक कर लें।
जैसे यहां से थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देता हूं, अब यहां से देखेंगे तो ये, इसको और मैं जूम कर देता हूं, यहां आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां से जैसे जनवरी और फरवरी, बेसिक जैसे बेसिक में चेंज नहीं है, डीए है यहाँ जैसे 23, ये जैसे 27,370 है और यहाँ 29,750, और यहाँ से जो डिफरेंस आ रहा है 23,80 का और 23,80 का और दोनों मिला करके जो भी डिफरेंस हो रहा है ये आप जरूर यहाँ से चेक कर लें। और ये जैसे नेट जो डिडक्शन है वो जीरो है नेट अमाउंट, कारण क्या है कि ये जैसे जीपीएफ है, ये डीएरी है तो ये जीपीएफ में जाएगा, तो जो भी डिडक्शन है वो जीपीएफ 2004 में यहाँ डिडक्शन हो रहा है, ये आप जरूर चेक कर लें कि जो डिडक्शन है वो जीपीएफ 2004 में ही हो रहा है और जो नेट अमाउंट है वो जीरो आना चाहिए। इसको आप एक बार यहाँ से चेक कर लें। इसके अलावा अगर आपने एक्सेल शीट बनाई हुई है तो आप उसको भी देख लें कि एक्सेल शीट को भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैं एक्सेल शीट भी आपको बता देता हूँ कैसे चेक करनी है। तो इसके लिए आप एक बार इस तरीके की जो एक्सेल शीट है वो आप जरूर बना लें, जिसमें आपके ये डी एरियर 1/1/2024 से 29/2/2024 यानी जनवरी और फरवरी का यहाँ आ जाएगा। उसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको देता हूँ। यहाँ से आपको जो भी एम्प्लॉय है उनके नाम लिख देने, मैंने जैसे ABCD लिखा, उसके बाद में जो बेसिक पे है, अब जैसे ये 59,500 है, इसका डीए जो जनवरी में ड्यू है जैसे 29,750 है, फरवरी का भी 29,750 है, और ड्रॉन यानी मिला कितना है तो मिला है 27,370 और यहाँ भी 27,370, और जो भी डिफरेंस है जैसे यहाँ जो भी डिफरेंस है 23,80 और 23,80 यानी कुल मिला करके 2,380 और 2,380 दोनों महीनों का 4,760 ये डिफरेंस है, और ये सारा का सारा जो है वो आपके जीपीएफ में जमा हो जाएगा। तो इसको आप एक बार जरूर मिलान कर लें। मैं आपको दोबारा यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप यहाँ दूसरा मैं इसको सिलेक्ट करके बताता हूँ, यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब जैसे यहाँ जो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक बार इसको मैं दोबारा वापस सेलेक्ट करके बता देता हूँ, तो यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ से आपको ये जरूर चेक करना है, जैसे यहाँ जो भी था यहाँ पूरा एक बार डिटेल में देख लें, ये टोटल जैसे यहाँ आ रहा है, इसको अगर थोड़ा सा इस साइड में करेंगे तो ये नाम वगैरह आ रहा है, और यहाँ जैसे मैंने बताया था कि जीपीएफ 2004 में ये 23,80 और 23,80 दोनों मिला करके जैसे 47,60 जो ये हो रहा है, ये आप जरूर चेक कर लें और टेबल से मिलान कर लें। प्रत्येक आर्मी का इस तरीके से आपको बना करके, जिसमें भी जितने भी लोग ग्रुप में हैं उनको एक बार ये इस तरीके से कर लें। इसको प्रिंट करना चाहे, डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ आपकी प्रिंट और डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको क्लोज कर लें। और उसके बाद में यहाँ से जैसे चेक करेंगे तो यहाँ भी अगर आप बिल डिटेल्स यहाँ इस पर भी क्लिक करेंगे, मान लो गलत बन रहा है और आपके कुछ समस्या आ रही है तो यहाँ आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है, व्यू रिपोर्ट में जाकर के आप रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं, और अपडेट शेयरिंग पैटर्न में तो अभी इसमें CF और या स्टेट फंड इसका कोई इशू नहीं है, अगर है तो देख लें। बाकी डिलीट करना चाहें अगर मान लो इसमें कुछ गलती है, यहाँ से थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, और उसके बाद में अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब मान लो ये डिलीट नहीं करना और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो यहाँ जाकर के आप इसमें जैसे अदर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जाकर के, अभी मैंने जो एक्सेल की शीट बनाई थी या आप DA 2% 2 महीने का 4% का जो भी आदेश था 46 से लेकर 50% बढ़ने का विधि विभाग का, वो आदेश भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें आपके, क्योंकि ट्रेजरी वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो कोशिश करें कि एक्सेल शीट बना लें और जो DA का ऑर्डर है ये दोनों PDF ग्रुप में यहाँ आप अपलोड कर लें, उसके बाद इसको प्रोसेस करना है। अब जैसे ये साइट काफ़ी धीरे चल रही है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था बहुत धीरे से ये बहुत देरी से ये ऑप्शन से वो काम करें। और अब इसके बाद में यहाँ से जैसे मैं एक बार बैक लेकर क्या बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स आप एक बार अपलोड कर लें, उसके बाद में आपको इसको क्या करना है वो भी बता देता हूँ। अब यहाँ से आपको सबसे पहले ये अच्छी तरह से चेक कर लेना है, अगर मान लो बिल में कुछ गड़बड़ है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा यहाँ से रिपोर्ट्स डाउनलोड जरूर कर लें, और उसके बाद में प्रोसेस पे जाना है। यहाँ प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी रीजन वगैरह, और यहाँ से जो भी OTP है OTP एंटर करके आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। यहाँ से जैसे OTP एंटर करेंगे तो जो भी OTP आपकी DDO पे आती है उस OTP को एंटर करके आपको बिल को फॉरवर्ड कर लेना है। अब जो ये तो मैं जैसे OTP बाद में एंटर करके आपको बता दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस में अभी तो जैसे एक तो जो है साइट बहुत धीरे चल रही है, और इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले आपको डी एरियर मैनुअल में जाकर के आपको बिल को एलोकेट करना है। पहला काम करना है आपको, जैसे यहाँ जाएंगे और यहाँ से आपको ग्रुप वगैरह सेलेक्ट करके मैनुअल में जाकर के आपको जो पे मैनेजर पे या FMS 3 सैलरी का काम जो करते हैं उस तरीके से यहाँ से आपको यहाँ से जैसे सर्च करना है। साइट थोड़ी धीरे चल रही है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन पहला काम आपको बिल है उसको इनिशिएट करना है मैन्युअली, क्योंकि ये नहीं करेंगे तब तक आपके बिल शो नहीं होगा, और इनिशिएट करने के बाद भी आपके यहाँ शो नहीं होगा। इनिशिएट करने के बाद में यहाँ से जैसे मैं आपको वापस यहाँ बैग ले जाकर बता देता हूँ, यहाँ से जैसे
ये जो एरियल बिल प्रोसेस, ऑटो प्रोसेस जो है, जैसे इसके लिए करते थे सैलरी के लिए, तो पहले तो आपको डीए मैनुअल में जाकर के इसको एलोकेट करना है, एक तरह से बिल जो एलोकेट करते थे उस तरीके से करना है। उसके बाद में डीए ऑटो एरियर में जाकर के बिल नंबर वगैरह ये सारे आप देख लें, बिल अगर जो भी इसकी इनर आउटर शेड्यूल है वो सारे चेक कर लें, और उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल को डिलीट कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, चाहे एक्सेल शीट है या डीए ऑर्डर है, जो भी आपके ट्रेजरी के हिसाब से जो करते हैं वो आप करके उस बिल को ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। अभी साइट का भी बिजी चल रही है तो बहुत मुश्किल से ये काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये साइट सही हो जाएगी तब आप काम कर पाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि IFMS 3.0 पे डीए एरिया का जो भी बिल है वो किस तरीके से बनेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।